हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स और हिंदू और पीआईबी एनालिसिस 22 जुलाई 2017 का देखेंगे। नोट्स बनाने की चिंता मत करना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपका अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहले GS3 इकोनॉमी और सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी अपने टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेजर डिफिशेंसीज इन आर्मी एम्यूनेशन रिजर्व, तो CAG ने रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी है। तो CAG की रिपोर्ट के हिसाब से जो आर्मी के जो एम्यूनेशन रिजर्व होने चाहिए या जिसको आर्मीज़ वॉर वेस्टेज रिज़र्व कहते हैं, वॉर वेस्टेज रिज़र्व वो होता है जो आपका, अगर आप किसी वॉर में हैं या आप कोई इंटेंस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे आपको एकदम से एम्यूनेशंस की जो नीड पड़ जाती है, तो वो जो नीड होती है वो ये वॉर वेस्टेज रिज़र्व जो है वो पूरी करती है। तो CAG का ये कहना है कि जो ये है ये काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, प्रॉपरली मेनटेन्ड नहीं है ये रिज़र्व, ठीक है, स्पेशली ऑफ हाई कैलिबर इक्विपमेंट नीडेड टू वेज इंटेंस वॉर, ठीक है। द रिपोर्ट टेबल्ड ऑन फ्राइडे इज़ अ फॉलो अप ऑडिट ऑन द मेजर्स टेकन आफ्टर द CAG's अर्लियर रिपोर्ट ऑन एम्यूनेशन मैनेजमेंट इन अप्रैल टेबल्ड इन 2015। तो एक 2015 में भी CAG ने ये रिपोर्ट दिया था और CAG का ये कहना है कि वो रिपोर्ट देने के बाद से 2013-14 के सिचुएशन पे वो रिपोर्ट दी गई थी 2015 में, अब 2016-17 में भी कोई रिपोर्ट के हिसाब से जो बताया गया था उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ खास डेवलपमेंट नहीं आया है, कि 3 साल का गैप हो गया है डिस्पाइट 3 ईयर्स लैग, नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ WWR या फिर आपका वॉर वेस्टेज रिजर्व, ठीक है ना। तो इसमें CAG ने हाईलाइट किया है कि जो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता है उन वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, शॉर्टफॉल रह रहा है प्रोडक्शन में OFB में, जिसकी वजह से जो ये शॉर्टेज है वो अकर कर रही है, ठीक है। और ये आपका WWR दोबारा से देख लेते हैं, इट इज़ द रिजर्व क्वांटिटी ऑफ एम्यूनेशन नीडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ठीक है। कोई अगर आपका एकदम से कॉन्टीजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पे जो आपको सब सामान चाहिए होता है तो वो सब ये आपका जो वॉर वेस्टेज रिजर्व है वो देखता है। ऑडिट स्लैम्स रेलवेज ऑन फूड क्वालिटी, तो CAG ने फूड क्वालिटी और जो रेलवेज की जो कैटरिंग सर्विसेज है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंटिंग की है। तो CAG का ये कहना है कि काफ़ी सारे स्टेशन में ऐसा हो रहा है जो फूड सर्व हो रहा है वो अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, अनप्योरीफाइड टैप वाटर को यूज़ किया जा रहा है सीधा और उसी से खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, खाने को बचाया नहीं जा रहा, प्रॉपरली कवर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो रैट्स हैं और इंसेक्ट्स हैं जो उससे उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। शेल्फ लाइफ जो है, जो जो पैकेज प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ एक्सपायर हुए होने के बावजूद उन्हें यूज़ किया जा रहा है। अनऑथराइज ब्रांड्स ऑफ वाटर बॉटल्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, जो डस्टबिन्स वगैरह हैं वो अनकवर्ड पाए गए जिनकी वजह से इंसेक्ट्स हो जाते हैं, उनको प्रॉपरली खाली नहीं किया जा रहा है, उनको प्रॉपरली वॉश नहीं किया जा रहा है, तो ये कंडीशंस भी CAG ने दिखाई हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में ऐसा कुछ हो रहा है बाहर एक प्रोडक्ट आपको सस्ते दामों में मिल रहा है और वही सेम प्रोडक्ट रेलवे स्टेशन में जो वेंडर्स हैं वो उसको महंगे प्राइसेस में बेच रहे हैं, ठीक है। वेटेज भी जो है वो डिफरेंट है, अगर आपको बाहर कुछ 100 रुपये में 200 ग्राम कोई चीज़ मिल रही है फॉर एग्जांपल, तो रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाओगे तो वो 100 रुपये में 100 ग्राम ही दे रहे हैं, तो वेटेजेस और प्राइजेज दोनों में जो है वो प्रॉब्लम है, ओवर प्राइसिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। CAG ने ये भी बताया कि कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम तो बना दिया रेलवेज ने, लेकिन जितनी कंप्लेंट्स उसमें पहले जब बना था रिड्रेसल सिस्टम तब आ रही थी, अभी भी उतनी ही कंप्लेंट्स आ रही हैं, मतलब जो इतना ज़्यादा उसमें इफेक्ट नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए हैं अभी भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से, ठीक है। और जो मेजर शेयर ऑफ कंप्लेंट्स है वो आपका ओवरचार्जिंग और क्वालिटी इशूज़ को लेकर ही है। उसके बाद 6 प्राइवेट टेलीकॉस शॉर्टेज गवर्नमेंट, तो इसमें भी CAG ने दिखाया है कि जो 6 बड़े आपके टेलीकॉम्स हैं एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, आरकॉम, एयरसेल, SSTL, तो इन्होंने अपना जो इनकम है वो अंडरस्टेट किया है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो इनकम अंडरस्टेट किया है वो टू दी वर्थ ऑफ 61,000 करोड़ रुपीज़ है। तो अगर ये 61,000 करोड़ रुपीज़ को अंडरस्टेट ना किया जाता तो गवर्नमेंट को इस पर टैक्स मिलता, और इसकी वजह से जो अंडरस्टेटमेंट की वजह से जो गवर्नमेंट को टैक्स डिप्राइव हुआ है इट इज़ टू द ट्यून ऑफ 7,697.62 करोड़, ठीक है। अब ये तो टैक्स गया, तो ये टैक्स नहीं मिला, काफ़ी टाइम से ये अंडरस्टेट कर रहे हैं इनकम, इस पर टैक्स नहीं मिला तो इस पर जो इंटरेस्ट अर्न हुआ वो भी देख लेते हैं। तो इस पर कुछ इंटरेस्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा 4,531.62 करोड़ रुपीज़, तो आप देखें अराउंड 12,000 करोड़ का जो है गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। तो CAG ने अपनी रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया है,
इसको अब रिस्पॉन्ड करते हुए जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उन्होंने दिखाया है कि जो बेसिक डेफिनेशन है ग्रॉस रेवेन्यू की और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की, उसको जो ये ऑपरेटर्स हैं कंटिन्यूसली चैलेंज करते जा रहे हैं 2002 2003 में। ग्रॉस रेवेन्यू मतलब आपका जो सारे खर्चे वर्चे निकाल के जो ग्रॉस रेवेन्यू जिस पे टैक्स पे करते हैं, तो उसके ऊपर जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर इनका कन्फ्लिक्ट रहता है, तो कोर्ट में केस चलता रहता है, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो हो रही है। ठीक है, ऑडिटर ने लेकिन ऐसा कहा कि ये एक साफ तौर पर दिखाया गया है, क्लियरली गाइडलाइंस हैं कि ग्रॉस रेवेन्यू कैसे होगा और कैसे निकाला जाएगा जो भी लाइसेंस्ड ऑपरेटर होगा, तो उसमें तो कंसर्न आना ही नहीं चाहिए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की गलती है कि वो इनके ऊपर हल्का हाथ रख रहे हैं। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम अप्रूव की है डिफेंस इनोवेशन फंड। इसका काम क्या होगा? क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम टू फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस बाय एंगेजिंग R&D। R&D पे फोकस रहेगा, ठीक है, उसमें अकेडमिया, इंडस्ट्री, MSME, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स जो सब हैं उनको अवार्ड बेस्ड ग्रांट जो होगा, फंडिंग जो होगी वो दी जाएगी टू कैरी आउट इनोवेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि वो इनोवेट कर सकें, विच हैज़ अ गुड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर कमर्शियलाइजेशन, ताकि उसको आगे कमर्शियलाइज करके उससे और कमाया जा सके। द स्कीम इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है, उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का क्या नाम है आपका? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको बेंगलुरु में रजिस्टर किया है एज इट्स हेडक्वार्टर्स। इसको जो फंडिंग देखेंगी वो टू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स देखेंगी, कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। अभी जो इसका कॉर्पस रेज किया गया है इन दोनों कंपनीज के थ्रू वो है 100 करोड़ का। सब्सिक्वेंटली आगे चल के क्या होगा कि आगे की जो बाकी की जो पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो चाहती हैं इसमें प्रमोट करना और इसमें फंड में इनोवेट करना, तो वो इसमें पैसा डाल सकते हैं, उनको भी इन्वाइट किया जाएगा टू ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया टू होस्ट 5th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस, ठीक है। तो थीम इसकी साइबर फॉर ऑल, ऑल इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस। तो पहले UPSC वाले बच्चे काफ़ी ना वो थीम भीम को इग्नोर कर देते थे कि थीम पे क्या सवाल होगा, तो 2017 में प्री में दो सवाल आ चुका है, थीम बेस्ड एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट थी, उसको बताना था सही है या गलत है, ठीक है, तो इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते, तो थीम देख लेना। पहली बार इंडिया में होगी ये, 5th है तो पहली बार इंडिया में होगी। इसको बनाया गया था 2011 में लंदन में, ठीक है, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसको अच्छे से शोकेस कर सकें, ठीक है, और जो यूजेस ऑफ ICTs हैं, जो डेवलपमेंट चैलेंजेस को पूरा करने के लिए जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, ठीक है। इट कैन हेल्प प्रोवाइड विजन ऑफ इंक्लूजन, डिजिटल सोसाइटी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब सेक्टर्स में इसका अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। गेटिंग फीडबैक ऑन GST, तो GST सरकार ने लागू कर दिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के कंसर्न्स देखने का काम भी इनका है। तो गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे, वो देखेंगे कि GST का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या नहीं, इंडस्ट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो कमेटी का काम रहेगा ये देखना। इससे पहले एक गवर्नमेंट ने GST फीडबैक एंड एक्शन रूम भी बनाया था, ठीक है, 26 जून को बनाया था, जो ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है, इन्होंने बनाया था, ठीक है। इसका क्या काम रहेगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन, जो भी डिटेल विटेल आती है सारी मिनिस्ट्रीज़ के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कोई कंप्लेंट्स आती हैं, फील्ड फॉर्मेशंस आती हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर के थ्रू कुछ पता चलता है कि हाँ ये सेक्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है GST की वजह से, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये फ़ायदा हो रहा है, जो भी सब वो होगा न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, ईमेल्स, एक्स्ट्रा जो भी, इन्होंने एक टेलीकॉम लाइन भी बनाई है जिसमें लोग अपने कंसर्न्स बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर उनको कोई कंसर्न है, कोई इशू है GST से लेके, कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो अनक्लियर हैं, तो वो सब शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसके उसको फिर कंसर्न गवर्नमेंट देखेगी अच्छे से और अपना आगे डिसीजंस लेगी। ये अब न्यूज़ इतनी ज़्यादा कुछ, आप इसमें से प्री का आपका सवाल निकल सकता है कि एरिया सोन इन 2017-18 आपको गिवन है और एरिया सोन इन 2016-17 आपको गिवन है, तो आप देख रहे हैं कि ग्रोथ तो है जो सोन एरिया है, तो इसमें मेजरली आपको ये देखना है कि आपकी क्रॉप जो सबसे ज़्यादा उगाई जा रही है, खारिफ क्रॉप है ये, ठीक है, तो खारिफ क्रॉप्स के लिए ही है ये डाटा सिर्फ, ठीक है, खारिफ क्रॉप्स के लिए है ये डाटा सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा खारिफ क्रॉप जो आपकी सोन होती है वो होती है राइस इंडिया में, ठीक है, उसके बाद आपकी होती है कोर्स सीरियल्स, उसके बाद आपके होते हैं ऑयल सीड्स, और उसके बाद आपकी होती है कॉटन, ठीक है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पे अरेंज द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि विच खारिफ क्रॉप हैज़ द लार्जेस्ट एरिया सोन, तो उसको और आपको अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है कि हाँ इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो वहाँ पर ये काम आ जाता है। फिर पॉलिटी देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा अ राइट,
तो ये कुछ अभी एक पीआईएल आई थी पहले एक सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने जो कर्मण्या सिंह सरीन, इन्होंने अर्ज किया था कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जिसके थ्रू क्या था कि व्हाट्सएप की जो भी इमेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, डाटा, वीडियो जो भी आप कर सकते हो तो फेसबुक उसको यूज़ कर सकता है। तो उन्होंने ऐसी एक 2016 में पॉलिसी बनाई थी। तो इनका ये कहना है, जो ये पीआईएल पिटिशनर्स हैं, इनका ये कहना है कि ये राइट टू प्राइवेसी को जो है वो वॉयलेट करता है, क्योंकि इसमें आपकी पिक्चर्स, मैसेजेस, सब कुछ जो है वो अब फेसबुक इजीली शेयर कर सकता है। और शेयर तो एज सच वो शेयर अपना ऑनलाइन साइट पे नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास एक्सेस होगा इस सारी इन्फॉर्मेशन का आपकी। तो ये उनका राइट टू प्राइवेसी वॉयलेट कर रहा है। उस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि पर्सनल डाटा जो है वो इंटीग्रल पार्ट है एक आदमी की डिग्निटी का, ठीक है। और डिग्निटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी लाइफ में। तो अगर कोई भी एनी शेयरिंग ऑफ पर्सनल डाटा बाय सर्विस प्रोवाइडर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इम्पिंजेज ऑन अ पर्सनस राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड रेगुलेशन, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि आर्टिकल 21 ऐसे वायलेट हो जाता है क्योंकि उसके जो पर्सनैलिटी है उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और सरकार ने ये भी कहा इसके लिए हमने एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अभी कन्फ्लिक्ट क्या आ गया कि क्योंकि अपना वो 9 जजेस वाला एक बेंच बैठा हुआ है जो ये देख रहा है कि जो आधार में गवर्नमेंट जो है वो लोगों की बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वगैरह यूज़ कर रही है, तो उसमें भी पीआईएल डाला है कि राइट टू प्राइवेसी वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टैंड ले रही है गवर्नमेंट, ये अगेंस्ट आ गया क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात निकल के आती है वो ये कह रहे हैं कि अगर पर्सनल डाटा जो शेयर हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रही है वो अगर वॉयलेट होती है तो बंदे का राइट टू लाइफ वॉयलेट होता है। अब इसमें दो कन्फ्लिक्ट आ गए, आप कहोगे कि एक तरफ कुछ कह रहे हैं एक तरफ कुछ कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, सरकार सब कुछ सोच समझ के कहती है। एक तो हो गया प्राइवेट, जो आपका प्राइवेट बॉडी है, ठीक है, उसके केस में सरकार को आपको डाटा सिक्योरिटी देनी है, ठीक है। प्राइवेट बॉडी जो है वो आपका डाटा यूज़ नहीं कर सकती। दूसरा, एक सेंटर, एक गवर्नमेंट है, वो आपके लिए स्कीम्स इंप्लीमेंट करना चाहती है, वो आपके लिए बेटर पॉलिसीज़ बनाना चाहती है, उसके लिए उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखें कि डीबीटी है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, वो पहले क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा था, ठीक है। जिनको नहीं भी मिलनी होती थी, जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी उनको तो मिल नहीं रही थी, लीकेजेस बहुत ज़्यादा थे, मनरेगा में लीकेजेस बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसी चीज़ों को कर्व करने के लिए हमें कुछ तो मैकेनिज्म चाहिए ताकि जिन लोगों के पास वो पहुँचना चाहिए वो पहुँचे। तो उस केस में गवर्नमेंट को अपनी स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। लेकिन वही चीज़ अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए कर रहा है, प्रॉफिट मोटिव्स के लिए कर रहा है, क्योंकि फेसबुक वो डेटा यूज़ करके क्या करता है, वो प्रॉफिट, वो डेटा यूज़ करके वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करता है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट के लिए कैसे, आप क्या वीडियो शेयर कर रहे हो, ठीक है, उससे आपका उन्हें इंटरेस्ट पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पंजाबी सॉन्ग से सुन रहे हो, ठीक है, तो फेसबुक को ये पता चल गया कि आप पंजाबी सॉन्ग से सुन रहे हो। तो उसके बाद जब भी कभी फेसबुक के पास कोई पंजाबी सॉन्ग के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आएगा तो फेसबुक के पास एक पूरी लिस्ट होगी कि कौन कौन जो है जिसको पंजाबी सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है, एंड दे विल एडवर्टाइज ओनली टू दैट ग्रुप, ठीक है। तो उस तरह से वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए अपना डाटा यूज कर रहे हैं। तो ये दो केसेस इस वे में डिफरेंट हैं। मेंटली रिटार्डेड एडल्ट नॉट अ चाइल्ड, सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ ऐसा हुआ है कि एक 38 ईयर्स की लेडी है, वो मेंटली रिटार्डेड है, तो बायोलॉजिकल एज उनकी 38 है, लेकिन अगर उनकी मेंटल एज देखी जाए जो डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं तो वो 6 ईयर्स है। तो उनका रिसेंटली रेप हो गया था एंड हर मदर हैज़ साइंड अ पीआईएल इन सुप्रीम कोर्ट। उनका ये कहना है कि जो उनकी डॉटर है वो बायोलॉजिकली तो 38 की हैं लेकिन मेंटली 6 ईयर्स उनकी एज है, तो उनको जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट है 2012 का, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, उनको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि लॉ बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, लॉ बनाना सेंटर का काम है, और सेंटर ने इसमें स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल एज मेंशन किया है, तो हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर सेंटर इसमें अमेंडमेंट लाएगा तो हम इसको देख सकते हैं, हम खुद से इसमें कोई भी चेंजेस ला नहीं सकते। अनट्रेन टीचर्स गेट 2 ईयर्स टू क्वालिफाई, ठीक है। लोकसभा ने एक ये कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल पास किया है 2017 का। तो जब से ये सर्व शिक्षा अभियान वगैरह और एजुकेशन प्रमोट करने की हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो आए हैं, नए स्कूल्स खुले हैं, ठीक है। एजुकेशन एक्सपेंशन जो हो रहा है सर्व शिक्षा अभियान के अंडर, जो RTE एक्ट के, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नए स्कूल्स खुले हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो टीचर्स हायर हुए थे उनके पास जो है वो रिक्वायर्ड डिग्री नहीं थी, ठीक है। और कईयों ने तो, कई टीचर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ स्कूल तक, जो 12th पास हैं और वो भी टीचर बन के बैठे हुए हैं। तो कुछ 5 to 6 लाख प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं और 2.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं जिनके पास अभी तक कोई रिक्वायर्ड डिग्री नहीं है, ठीक है। तो बिल क्या कहता है,
बिल ये कहता है कि हम आपको ट्रेनिंग वगैरह देंगे, ठीक है, आपको पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, तो आप 2019 तक जो भी ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, उनको 2019 तक का टाइम दिया जाता है कि वो अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो एक्वायर कर लें, या तो BEd जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, या DEd डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी ये डिग्रीज़ हैं आप ये एक्वायर कर लीजिए ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो एश्योर हो सके, ठीक है ना। तो सरकार ने ये भी कहा कि हमारा एक स्वयं पोर्टल है, उसमें ऑनलाइन हम कोर्सेज डालते रहते हैं, और DTH एजुकेशन चैनल भी हमने बना दिया है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी जो टीचर्स हैं वो थियोरेटिकल नॉलेजेस एक्वायर कर सकते हैं और इजीली वो एग्ज़ाम पास करके अपनी जो जॉब है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो 2019 के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है जो 90% अनट्रेन टीचर्स हैं वो कुछ 8 स्टेट्स में से हैं, तो उनके लिए जो अलग से टास्क फोर्स वगैरह बना के देखेंगे कि क्या कैसे करना है। डिटेंशन बिल सुन, अब ये डिटेंशन बिल भी एजुकेशन से आपका रिलेटेड है। अभी तक क्या था, जो UPA गवर्नमेंट थी 2008 में, वो क्या लेकर आए थे कि उन्होंने ये कहा था कि फिफ्थ क्लास टू 8th क्लास तक किसी को कभी डिटेन नहीं किया जाएगा। तो इस पे काफ़ी सारी स्टेट्स ने कंसर्न दिखाया था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो डाउन हो रहा है, क्योंकि बच्चों को अभी एग्ज़ाम पास करके नेक्स्ट क्लास में जाने की टेंशन नहीं रहती थी, ठीक है। तो एक प्रथम रिपोर्ट भी आई थी इसके ऊपर जिसने कहा था कि नहीं, जो ये नो डिटेंशन पॉलिसी है ये ठीक नहीं है, इससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो जो है वो अच्छा नहीं हो रहा। तो ये डिटेंशन बिल जो सरकार लेकर आएगी, इसमें क्या होगा, एक लर्निंग आउटकम्स की एक तरह से एक वो दे दिया जाएगा कि आपको पर्टिकुलर जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं, कुछ आउटकम्स दे दिए जाएंगे कि ये आउटकम लर्निंग तो बच्चे में होनी ही होनी चाहिए, और उसके बेस पे एग्ज़ाम्स होंगे, और अगर वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे तो उनको एक और चांस दिया जाएगा मई में एग्ज़ाम देने का। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मार्च में पेपर होंगे, ठीक है, अगर कोई 6th क्लास का बच्चा है तो वो पहले मार्च में पेपर देगा, बाई चांस वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाता और फेल हो जाता है तो उसको मई में फिर से एग्ज़ाम्स देने का चांस मिलेगा। अगर वो मई में पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, अगर वो मई में भी फेल हो जाता है तो उसको डिटेन करके रखा जाएगा। जन औषधि स्टोर्स एट रेलवे स्टेशंस, तो जन औषधि स्टोर्स को खोलने की बात हो रही है रेलवे स्टेशंस में, तो ये जन औषधि स्टोर्स एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना बनाई गई थी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में। तो इसका काम क्या है कि क्वालिटी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करें लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे, जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग जो होते हैं वो बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं, बहुत महंगी हो जाती है और आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसका मेन काम ये है कि ये जेनेरिक मेडिसिन जो इंडिया में मेडिसिन बनती हैं वो जो है वो रिकमेंड करेगा और लोगों को, जिससे उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो हेल्थ पे जो उनका हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये की जा रही है क्योंकि रेलवे का जो नेटवर्क है वो बहुत वाइड है, रेलवे स्टेशन जो है वो काफ़ी जगहों पे फैले हुए हैं, तो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है ये रेलवे मिनिस्ट्री के साथ कॉन्टैक्ट में है कि जो आपके रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर ये जन औषधि स्टोर्स खोलना चाहते हैं ताकि जो रीच है वो बढ़ जाए। तो अभी इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन वगैरह चल रही है और बाद में देखेंगे। H1N1 रिटर्न्स, तो H1N1 वायरस के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं इस साल, कुछ 12,500 केसेस आ चुके हैं जिसकी वजह से 600 जो हैं वो डेथ्स हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कुछ अराउंड 284 डेथ्स हो चुके हैं क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा फैल गया है ये H1N1, ठीक है। महाराष्ट्र में ये हाई नंबर ऑफ केसेस और डेथ का कारण एक ये भी है क्योंकि वहाँ पर बेटर अवेयरनेस है डिजीज़ को लेकर, जिसकी वजह से बेटर जो लोगों को जो क्या होता है आपका सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो बेटर है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग अवेयर रहते हैं तो पता चल पाता, नहीं तो आधी जनता को तो पता ही नहीं चलता कि उनको वायरस भी है। तो इसी वजह से भी महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि जा सकता है कि केसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये केसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि जैसे आप जानते हैं गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में ज़्यादा डिजीज़ बढ़ने का चांसेस रहता है, ठीक है। अब जो ये होल जीनोम है सीक्वेंसिंग जो ये पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने देखा है, तो इनका ये कहना है कि कुछ खास म्यूटेशन नहीं हुई है, जो पिछले साल N1 वायरस चल रहा था उससे कुछ खास म्यूटेशन नहीं हुई है। तो ये अपने लिए अच्छी खबर है क्योंकि अगर म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेट कर जाता है और वो जो वायरस है वो अगर जो आपकी मेडिसिन है वो रेजिस्टेंस उससे मेडिसिन से डेवलप कर लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो वो चीज़ अपने लिए इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी अभी दो तीन हफ्ते एक दो हफ्ते पहले हमने न्यूज़ में भी देखा था, तो ये जो इसके लिए ड्रग यूज़ होता है H1N1 वायरस के लिए, उसको वाइडली अवेलेबल करने के लिए उसको शेड्यूल एक्स से हटा के शेड्यूल H1 में डाल दिया गया है। शेड्यूल एक्स में क्या होता था कि अगर आपको किसी को दवाई केमिस्ट के पास जाते हो तो एक तो शेड्यूल एक्स के लिए अलग से केमिस्ट जो होते हैं, सारे केमिस्ट के पास आपको शेड्यूल एक्स मेडिसिन नहीं मिलेगी, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज़ करती है पर्टिकुलर केमिस्ट को कि आप ही शेड्यूल एक्स मेडिसिन भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल एक्स में अगर कोई मेडिसिन है तो वो लेने के लिए
वो पर्टिकुलरली प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए मेडिसिन डॉक्टर के पास से, और आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो केमिस्ट होगा उसको प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी अपने पास प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी 3 साल के लिए। तो H1N1 के लिए जो मेडिसिन था उसको आपके शेड्यूल एक्स से निकाल दिया गया था ताकि ये सब लफड़े ना रहें और जो मेडिसिन है वो वाइडली अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है मोर्टेलिटी के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले दवाई ही नहीं मिलती थी लोगों को। और लेकिन इसके कुछ रिस्क भी हैं, अब इतनी वाइडली अवेलेबल हो जाएगी ये मेडिसिन तो इससे ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकते हैं। वो अब डॉक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे ही किसी भी कुछ भी छोटा सा वायरल हो गया तो उसके लिए रिकमेंड ना कर दें मेडिसिन को इसको, ठीक है। अब इसको जो ये इतने ज़्यादा केसेस हर साल आते हैं इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसके लिए एडिटर का कहना है कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए फॉर इन्फ्लुएंजा इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और पहला स्टेप इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा होना चाहिए कि वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी है, वल्नरेबल सेक्शन कौन सा है, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में केसेस आते हैं, ये एक पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, तो आपको वल्नरेबल पॉपुलेशन और एरिया को पता होना चाहिए ताकि आप मेजर्स एरिया वाइज ले सको, ठीक है। और ये भी ज़रूरी है कि आप जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको प्रॉपरली वैक्सीनेट करें ताकि जो उनको डिजीज़ होने का जो चांस है वो ना रहे। उसके बाद द कन्नडा फ्लैग, तो ये आर्टिकल था उसी पे जो हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि कर्नाटका इज़ लुकिंग एट दी फ्लॉज की वो ये अपना एक स्टेट का फ्लैग डेवलप कर सकें। तो जो एडिटर जो आर्टिकल ये आया है इसमें ये रीजंस बताए गए हैं कि ऐसा स्टैंड क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो कल्चरल फ्रीडम की बात की है स्टेट रीजंस की, कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके वो एक कल्चरल फ्रीडम मिलनी चाहिए। और ये इतने ज़्यादा ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी पिछले हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा पैशन जो है वो बिल्ड किया गया लोगों में, ठीक है। अब पैशन किस चीज़ के लिए बिल्ड हुआ है वो कैसे हमें पता चल रहा है, आप देखें तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदी लैंग्वेज को अगर यूज़ कर किया जा रहा है साइन बोर्ड्स के ऊपर, ठीक है। और एक ज़्यादा लोग इससे इस चीज़ से भी ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे जब यार रहमान सर अभी इंग्लैंड गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे गाने जो ज़्यादा थे वो हिंदी में नहीं गए थे, तो लोगों का ये कहना था कि उन्हें हिंदी में गाना चाहिए। तो ये बात भी जो कन्नड़ लोग हैं उन्हें थोड़ी सी बुरी लग गई कि ऐसा क्या हो गया। तो कन्नड़ा राइटर BMC कंतिया, इन्होंने पहली बार कहा था कि एक कन्नड़ फ्लैग होना चाहिए 1938 में इन्होंने बात की थी। फिर ये हमारे M.A. रामामूर्ति जी 1966 में इन्होंने पहली बार एक फ्लैग डिज़ाइन किया था, इन्होंने एक रेक्टेंगुलर फ्लैग डिज़ाइन किया था, ठीक है। इट वाज स्प्लिट इनटू टू हॉरिजॉन्टल हाफ्स कलर्ड लाइट येलो एट द टॉप एंड रेड एट द बॉटम, ठीक है। द येलो कनोटेड पीस एंड फ्रेंडशिप एंड सिम्बलाइज द स्टेट एज लैंड ऑफ गोल्ड एंड अ रेड टू फाइटिंग स्पिरिट। तो हमें पता है कि कर्नाटका में गोल्ड माइंस हैं, तो इसीलिए ये फ्लैग कुछ ऐसा बना गया था। उसके बाद से जितने भी कन्नड़ एक्टिविस्ट हुए हैं उन्होंने कंटिन्यूसली इस फ्लैग को यूज़ किया है। और हमारे जो राइटर हैं, राइटर साहब का ये कहना है कि ये सिर्फ फ्लैग तक सीमित नहीं रह गया, तो अब जो कन्नड़ एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं इन्होंने इसको पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया है पिछले कुछ 2 डिकेड्स में। अगर आप देखें तो जो ये येलो और रेड कलर है, जो येलो और रेड कलर जो फ्लैग में यूज़ हुआ है, इसकी काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक प्रेजेंस हो गई है स्टेट्स में, चाहे वो फ्लैग्स हों जो प्रोटेस्टर्स यूज़ करते हैं। मैप ऑफ कर्नाटका अगर आप देखें जो प्रोटेस्टर्स यूज़ करते हैं उसको भी रेड और येलो फ्लैग में दिखाया, रेड और येलो कलर में दिखाया जाता है। वॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड स्कूल्स अगर आप ऑब्जर्व करें, फ्लैग पोल्स, स्टिकर्स ऑन बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शाज, फिल्म सॉन्ग्स तक में, चैनल लोगोज तक में, तो आपको रेड और येलो कलर काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो ये वैसे भी एक स्टेटस बन चुका है कर्नाटका की स्टेट के लिए, उसको अब मिलता है परमिशन नहीं मिलता वो इतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है वाइल कन्नड़ा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो सेंटर जो है वो हिंदी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, इस वजह से वो एग्रेवेट हो रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जैसे ये कह दिया था कि जो पासपोर्ट्स होंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश में जो है सब डिटेल वगैरह होगी वो मेंशनड होगी, तो ये चीज़ भी उन्हें अच्छी नहीं लगी, वो इस चीज़ का भी थोड़ा सा बुरा मान गए, ठीक है। अब सिर्फ गवर्नमेंट अकेले ब्लेम करने को नहीं होती, और भी बहुत सारे कल्चरल प्रेजिडाइसिस होते हैं। जैसे अभी एक एक्स राज्यसभा MP ने कहा था जब बात चल रही थी कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म फॉलो किया जा रहा है, जो भी अफ्रीकन्स पे अटैक हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया बिल्कुल रेसिस्ट नहीं है। उनका ये कहना था कि काफ़ी ज़्यादा साउथ इंडियन जो बच्चे हैं वो भी हमारे पास नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में आके पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर तो अटैक्स नहीं हो रहे, तो हम कैसे रेसिस्ट हुए। तो ही जस्ट वांटेड टू शो कि ही जस्ट वांटेड टू रिमार्क कि कलर प्रेजुडाइज हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साउथ में वो ये दिखाना चाहते थे कि साउथ में भी काफ़ी लोग जो होते हैं वो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है,
तो अगर हम उन पे अटैक नहीं कर रहे तो हम रेसिस्ट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ भी है जो हमारे कई लोग बड़बोले होते हैं वो बोल देते हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों को एज अ लिया जा रहा है, फ्लैग को एज अ सिंबल लिया जाएगा कि फाइटिंग फॉर देयर ओन कल्चर, स्टेट कल्चर, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो ट्रेडिशंस हो, चाहे वो जो भी हो। प्रिवेलेंस ऑफ अंडरवेट एंड स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन हैज़ कम डाउन एज पर NFHS 4। तो आपका ये NFHS 4 का जो डाटा है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका काम क्या है कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको एक 6 पैकेज सर्विस प्रोवाइड करने का इनका काम रहता है। वो क्या क्या है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने का, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है, इनमें से जो 3 सर्विसेज हैं, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज वाला, वो हेल्थ मिनिस्ट्री देखती है, बाकी जो है अपना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री देखती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री के अंडर कुछ 13.54 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। वो आंगनवाड़ी सेंटर में जो आशा वर्कर्स होती हैं वो ये सब चीज़ें देखती हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो सेंटर और स्टेट शेयर करते हैं। उसका जो रेशियो होता है वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती रहती है। और एक स्टेट ऑफ आर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2016 रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ ने बनाई थी, उसमें 2005-06 का उन्होंने डेटा यूज़ किया था। तो उसके हिसाब से उन्होंने इंडिया को रैंक किया था 10th इन टर्म्स ऑफ अंडरवेट प्रिविलेंस, जो बच्चे अंडरवेट होते हैं, और उन्होंने 17th रैंक किया था इन टर्म्स ऑफ स्टंटिंग प्रिविलेंस। ठीक है, जो स्टंटेड बच्चे होते हैं जिनका न्यूट्रिशन कंटेंट और सब वो कम होता है। लेकिन NFHS 4 सर्वे का ये कहना है कि 2015-16 डेटा के हिसाब से जो अंडरवेट और स्टंटिंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो 2005-4-5 जो NFHS 3 का डाटा है उसके हिसाब से 35.7% और 38.5% पर आ गए हैं, फ्रॉम 42.5% एंड 48.5%। ठीक है ना? उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो ये लोकसभा में कुछ बातें बातें हो रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर क्या क्या हो रहा है। तो मिनिस्टर साहब ने बताया कि एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है। एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो चलाई जा रही है फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसमें क्या होगा, मार्केट ऑथराइजेशन, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मार्केट ऑथराइजेशन लेने के लिए, ठीक है, जो उन कंट्रीज़ की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे USFDA US की है, EMEA है, ये यूरोपियन यूनियन की है, ठीक है, उन वहाँ पे एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, तो जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है ताकि उन्हें इजीली लाइसेंस मिल जाए। ठीक है, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में गवर्नमेंट प्रमोट करती है, ट्रेड फेयर्स में, रोड शोज़ में, जिससे जो है अवेयरनेस क्रिएट हो बाहर की कंट्रीज़ में, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके इन चीज़ों का। उसके अलावा सरकार क्या कर रही है, आपकी एक वॉलेंट्री क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, WHO गाइडलाइंस के अंडर एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, ये आयुष प्रोडक्ट्स को प्रीमियम एक मार्क मिल जाता है, तो उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो भी कुछ कर रहा है, वो उन्होंने एक एक्सपोर्ट एडिशनल एक फार्मा एक्सेल करके एक चीज़ बना दी है। इसका काम क्या है कि वो बायर सेलर और रिवर्स बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करता है, जो आयुष और आयुष रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में फिर बातचीत करते हैं, तो एक तरह का एक जो है वो बेस बना देते हैं। प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए मेडिसिन को ग्लोब अक्रॉस द ग्लोब क्या किया जा रहा है, आयुष जो है वो काफ़ी MOUs साइन करता है, कंट्री टू कंट्री MOUs साइन किए जाते हैं कोऑपरेशन के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है, आयुष जो है वो काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक चेयर्स जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि उस पर और ज़्यादा रिसर्च किया जा सके और बेटर बनाया जा सके। आयुष इंफॉर्मेशन सेल बना दिए गए हैं प्रीमाइसिस में इंडियन मिशन अब्रॉड के, ताकि बेटर इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, उसके अलावा आपका और कंसल्टेटिव एफर्ट्स जो हो रहे हैं वो, जैसे इंडिया और US एंगेज कर रहे हैं अब ट्रेडिशनल मेडिसिन में बातचीत करने के लिए, कैंसर जैसे डिजीजेज़ के लिए और भी बहुत सारे डिजीजेज के लिए। और इसमें क्या हुआ था, पिछले साल जो 2017 का भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को होके हटा, उसके लिए हमने 32 कुछ योगा टीचर्स डिप्लॉय किए थे 28 कंट्रीज़ में, जिससे हमारी जो योगा डेमोस्ट्रेशंस है वो बढ़ सके, योगा के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, उसके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। ड्रग्स स्टैंडर्डाइजेशन अंडर आयुष, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एक्सपोर्ट्स को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज बनाया है एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर वेरियस डिजीजेज। ठीक है, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ हर्बो मिनरल और मेटेलिक आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, इनको बोला जाता है रासा
औषधीज़ और रासा योगा, इसमें क्या होता है आपके जो मेडिसिन है उसमें काफ़ी हैवी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, ये सब उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और उसमें प्रोसेस करके उसको प्रॉपरली उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो सेफ़ हो जाए और जो आपकी थेरेपेटिकली वो है वो इफ़ेक्टिव हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सेपरेट GMP ऑफ रसा औषधीज़ बनाया गया है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंडर उसके लिए मैंडेटरी जो गाइडलाइंस फॉलो करने का सारा सिस्टम है वो अलग से उसके अंडर बनाया गया है। उसके बाद ये कल हमने प्रधानमंत्री वया वंदना योजना कल भी डिस्कस किया था, तो कल के करंट अफेयर्स देख लेना और PDF भी डाउनलोड कर लेना, ये फ़ोटो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें सारा लिखा है जो एज ओल्ड पीपल के लिए बनाया, तो देख लेना इसको। उसके बाद अटल पेंशन योजना, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आज फिर से डिस्कस नहीं करूँगा, फिर भी मैंने इसको PDF में डाल दिया है कि अगर आपने पहले ना पढ़ा हो तो या तो पिछली वीडियो सुन लेना या फिर PDF डाउनलोड कर लेना, कुछ ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, रीड करोगे तो समझ आ जाएगा, वीडियो को लंबा खींच के कोई फ़ायदा नहीं है, आखिरकार पढ़ना तो आपने ही है। उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कमिंग अप, तो एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बना दिया, उसमें क्या होगा जो पुलिस स्टेशन होगा वो थोड़ा चिल्ड्रन फ्रेंडली होगा, ठीक है। उसमें आपका जो राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान का पहला ये चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कलरफुल और अट्रैक्टिव चाइल्ड सेल्स बना दिए जाएंगे ताकि जो चिल्ड्रन है जो सेक्सुअल ऑफेंस के शिकार हैं, जो चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, वो जो बच्चे आए चाइल्ड मैरिज के शिकार हैं, तो वो जब आएँ तो उन्हें वो अजीब सा इन्वायरमेंट ना मिले, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले जिससे उनसे इंटरेक्ट करना जो है वो इजी हो जाए। तो इसको आप, ये अब आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, ऐसी चीज़ें आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कितना स्मार्टली यूज़ कर सकते हो। कहीं पे कुछ चाइल्ड रिलेटेड कुछ आ जाता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन रिलेटेड आ जाता है, चिल्ड्रन जो सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट के रिलेटेड कुछ आ जाता है, तो आप ये लिख सकते हो कि ये ऐसी चीज़ें जो हैं जो राजस्थान ने फॉलो की है, बाकी की स्टेट्स भी ऐसी चीज़ों को फॉलो कर सकती है। उसके बाद IR में देख लेते हैं थोड़ा, डिजिटल ट्रेड गेम्स, तो ये हमने कुछ दिन पहले भी इकोनॉमी में आर्टिकल देखा था, तो उसमें ई कॉमर्स की बात थी कि जो ये RCEP है जो आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, तो इसमें जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं चाहे चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब चाहते हैं कि जो ई कॉमर्स ट्रेड है वो इस जो RCEP जो आपका ये एक ट्रेड पैक्ट बनने वाला है इसमें ई कॉमर्स को जो है वो ओपन कर दिया जाए, लेकिन इंडिया इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, इंडिया नहीं चाहता कि उसका जो ई कॉमर्स है वो इतना वाइडली ओपन कर दिया जाए। उनका कंसर्न ये है कि जो हमारे स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में से जो ये ई कॉमर्स बिजनेसेस आएंगे वो उस उनके बिजनेस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका कुछ और कहना है, सरकार ये कहना है कि अभी हमारे पास, इंडिया के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे हमारे जब ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज आएंगी तो जो हमारा जो हमारी जो जनता होएगी उनका जो डाटा है वो उनके पास चला जाएगा, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट्स हो गए या बहुत सारी चीज़ें हो गई जो इन कंपनीज़ के पास चला जाएगा। तो सबसे पहले इंडिया को ज़रूरत क्या है कि ये डाटा कंट्री से बाहर ना जाए, उसके लिए इंडिया को ज़रूरी है कि वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी प्रॉपर क्रिएट करें, ठीक है, जिससे वो डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करें कि अगर बाहर से कोई ई कॉमर्स जो बिज़नेस करने आता है तो वो जो ये डाटा है हमारा जो वो खतरे में ना पड़े, ठीक है। तो इसी में इन्होंने कोट करते हुए, अगर आप यहाँ पर देखें, कोट करते हुए एक प्रोमिनेंट चाइनीज़ बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने ये कहा है कि जो ये चाइनीज़ बिजनेसमैन थे इन्होंने रिसेंटली क्या ऑब्जर्व किया, दैट कंट्रीज विल बी फोर्स टू नेगोशिएट विद विच एवर कंट्री सप्लाईज मोस्ट ऑफ द AI सॉफ्टवेयर, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, टू एसेंशली बिकम दैट कंट्रीज इकोनॉमिक डिपेंडेंट, टेकिंग इट वेलफेयर सब्सिडीज इन एक्सचेंज फॉर लेटिंग द पेरेंट तो नेशंस AI कंपनीज कंटिन्यू टू प्रॉफिट फ्रॉम द डिपेंडेंट कंट्रीज यूजर्स, सच इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स वुड रीशेप टूडेज जियोपॉलिटिकल अलाइंसेज। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि जो अब AI सॉफ्टवेयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे, चाइना होगा या US होगा, वो क्या होगा वहाँ पर, वो सारा डाटा आपका उनके पास चला जाएगा, ठीक है, और आपको कंटिन्यूसली उनके साथ एंगेज करना होगा, और वो जो कंपनीज होंगी वो आपके कंट्री में बिजनेस करके जो सारा आपका प्रॉफिट भी कमाएंगे और आपका सारा डाटा भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है वो पूरा जियोपॉलिटिकली जो है वो वर्ल्ड को रीशेप कर देगा। बाकी इसमें इन्होंने और बहुत कुछ बातें नहीं की हैं, इसी चीज़ को इन्होंने घुमा घुमा के, जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए कि हमारा डिजिटल डाटा सेफ नहीं रहेगा और वो सब ही इन्होंने घुमा घुमा के बोला है, और डिजिटल इंडिया को इम्प्रूव करने की थोड़ी बहुत बातें की हैं। उसके बाद ये कुछ
पीआईबी में था, तो टॉप फोर रेमिटेंसेज रिसीविंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो इंडिया है वो टॉप करता है 2016 में। लेकिन इंडिया का ही, वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि जो ये रेमिटेंसेज हैं ये पिछले कुछ टाइम में घट गए हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि एक तो जो लो ऑयल प्राइसेस हैं और वीक इकोनॉमिक ग्रोथ है ना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में, वो वन ऑफ द मेजर रीज़न है क्योंकि ये रेमिटेंसेस घट गए हैं। क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द मेजर जो डायस्पोरा है वो गल्फ कंट्रीज़ में रहता है, तो ये एक रीज़न है। उसके बाद ये सीरीज है ना साइंस लॉ टू एड्रेस एनफोर्स डिसअपियरेंस, तो जितनी डिसअपियरेंस हुई थी जो वॉर चल रहा था श्रीलंका में 1980 से लेके, ठीक है, जो 20-25 साल वॉर चला उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग डिसअपियर हुए थे, तो उसके लिए एक लॉ तो पहले से बना हुआ था, ठीक है, लेकिन अब एक ऑफिस बना दिया है, ऑफिस ऑन मिसिंग मिसिंग पर्सन्स एक्ट को साइन किया है उन्होंने। इस ऑफिस का काम क्या रहेगा कि वो सारा देखें कि कब कौन डिसअपियर हुआ, किस फैमिली में से, और चांसेस हैं कि नहीं है उनके मिलने के, ठीक है। तो वो सारा काम जो होगा वो ये देखेंगे। और इसको काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और बाकी की कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इसको एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बोला है, ठीक है। तो अपने पास की कंट्री है तो कुछ हुआ है तो अपने को पता चलता रहना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा तमिलियंस भी इस चीज़ में गायब हुए थे, तो ये न्यूज़ इसीलिए यहाँ पर उठाई गई है। उसके बाद ये सीडीएस वीडीएस में पूछा जाता है, एक बार एक दो बार क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, तो हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, रेलवे जोन का हेडक्वार्टर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो फैक्चुअल है, देख लेना। वैसे तो मुझे तो कभी याद नहीं होती ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया यहाँ पर, देख लेना अगर आपको हो तो। उसके बाद ये दो छोटे मोटे फैक्ट्स थे। वीपी ने एक तो बुक लॉन्च किया जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस थमस ऑफ टाइम, जिसको ऑथर किया है श्री अंशुमन गौर ने, तो बैंकिंग और एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक लोकसभा में बताया गया कि 78.67% जो राशन शॉप्स हैं उनको आधार एनेबल कर दिया गया है, तो इसको कहीं पर अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हो, तो कर लेना। आज के लिए इतना ही था, सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।